स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो अभी हम लोग आए हैं पावागढ़ एंड मानसून के मौसम में मैं पावागढ़ ना आऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं पिछले 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, हर साल मैं पावागढ़ आता ही रहता हूँ। तो ये मेरा तीसरा व्लॉग है पावागढ़ का। हाँ, तो अभी फिलहाल चलते हैं सीधा ऊपर। तो आप लोग देख सकते हो पीछे कितना ज़्यादा कोहरा ही कोहरा है। तो चलते हैं सीधा पावागढ़। अभी फिलहाल हम लोगों ने पावागढ़ चढ़ना स्टार्ट कर दिया है। 15 से 20 मिनट हम लोगों को पार्किंग में लग गए एंड पार्किंग वाले ने हम लोगों से एक्स्ट्रा पैसे लिए क्योंकि हम लोगों ने नज़दीक में पार्किंग दी है। तो भाई अभी फिलहाल बहुत पसीना हो रहा है एंड वहाँ पर रोपवे जा रही है, तो वापस आएंगे रोपवे में। अभी चलते हैं ऊपर की ओर। और राइट, तो अभी हम लोग जिस लोकेशन पर खड़े हैं ना डूड, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोहरा है। मतलब यहाँ पर थोड़ी भी धूप होती ना तो सामने का पहाड़ आप लोगों को पूरा दिखता। मतलब क्या ऑसम लुक है डूड यहाँ का। बट हाँ, हम लोगों ने मिस कर दिया ये लोकेशन को। वैसे ऊपर जाते हैं उसके बाद वापस से नीचे आएंगे तो फिर से इधर आएंगे क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर पिक क्लिक करना है। मतलब मैं अभी आप लोगों को क्या ही बताऊँ। देखो ये अमित तो इधर क्या कर रहा है लडूड। अमित लगता है अमित सो रहा है इधर। ओके बाय बाय अमित। हम लोग शक्ति द्वार तक पहुंच चुके हैं, मैं एंड हरी। हम दोनों की हालत बहुत ही खराब हो गई है डूड। मतलब मैं अभी आप लोगों को क्या ही बताऊं। क्या बोलना चाहता है हरी? उसने बस खाली स्वेट बहुत हो गया है और कुछ नहीं। हाँ, थका हुआ नहीं लगा बट हमको पहुंचते पहुंचते 1.5 घंटा लग गया। सही बोला। तो अभी फिलहाल हम लोग अपने जूते वगैरह यहाँ पर रखेंगे एंड जाएंगे सीधा ऊपर दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं फटाफट से ऊपर। अभी फिलहाल जो नई चीज़ बनी है वो ये गेट है एंड वहाँ पर वो ब्यूटीफुल मंदिर बना हुआ है एंड यहाँ पर है काल भैरव जी की मूर्ति। तो देखते हैं काल भैरव को। हम लोगों ने माता जी के दर्शन कर लिए। मंदिर बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है एंड वहाँ पर ऊपर ध्वजा आपको दिख रही होगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पीछे के रास्ते से नीचे। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत मज़ा आ गया डूड। तो अभी फिलहाल चलते हैं नीचे। अभी फिलहाल बहुत बड़ा सीन हो चुका है, हरी का वीडियो अपलोड नहीं हुआ, ड्राफ्ट में चला गया। मतलब एक्चुअली सीन ये था कि मैंने कल रात को 12:30 बजे तक वीडियो एडिट किया क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को आज पावागढ़ जाना है। और मैंने बोला कि सुबह उठ के जब तक नींद आएगा मेरे घर के साइड मांजलपुर तब तक मैं अपलोड कर दूँगा, पर मेरे को रात को यही लगा कि मैंने कर दिया है। और
स्वाहा हो गया। अभी सब्सक्राइबर्स के मैसेज आ रहे हैं कि भाई अभी तक ब्लॉग नहीं आया, एंड पावागढ़ में नेटवर्क का इशू रहता है तो यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है तो हम लोग कुछ कर सके ड्यूड, तो आज हरि का ब्लॉग लेट आएगा। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं रोपवे में। इसके चैनल को सब्सक्राइब मत करो, इसके जितने भी सब्सक्राइबर है मेरे चैनल को जाके देखे एंड वीडियो को शेयर करे। हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं रोपवे की ओर, रोपवे में बैठेंगे एंड जाएंगे नीचे। और दूसरा सीन ये हुआ क्या, नीरवा मेरे को पार्टी दे रहे मैं क्योंकि मैं पर्स भूल चुका हूँ। कोई बात नहीं, अपने पास YouTube बहुत मनी पैसा आ गया है ना। हाँ, बहुत पैसा मैं छाप रहा हूँ, किसी को बताना मत। YouTube मनी बहुत आ चुके हैं अभी, तो बस थोड़े थोड़े व्यूज कम कर दो तो YouTube मनी नहीं आएंगे। देखो दूर यहाँ से ये सीन कैसा दिख रहा है, हमारा बहुत बड़ा पोपट हो चुका है। हम लोगों को लगा था कि यहाँ पर गूगल पे होगा रोपवे में, पर किसी के पास अवेलेबल नहीं है, मतलब यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट अवेलेबल है ही नहीं, तो अभी हम लोगों को यहाँ से चलकर जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है ज़रा भी। तो अभी कुछ कहना चाहेगा ब्रो? नहीं ब्रो, बहुत मूड अपसेट है। हाँ, वैसे आप लोग ये देख सकते हो वहाँ पर सामने काल भैरव का मंदिर है, वो आपको दिख रहा होगा शायद से, बहुत दूर है। एंड ये देखो हम लोग आए थे वहाँ आगे से, वो रास्ता है, एंड हमारी गाड़ी उधर पार्क करी है हम लोगों ने, तो अभी तो बहुत ज़्यादा रास्ता बाकी है, तो चलते हैं अभी फटाफट से जाते हैं नीचे। हरी थक चुका है। मैं थक चुका। हाँ मैं थका नहीं हूँ, नीर भाई के शॉट ही ख़त्म नहीं हो रहे, बहुत शॉट ले रहे, बस मेरे को अभी ऐसा है कि मैं जल्दी से नीचे चला जाऊँ। क्यों, क्या कर रहे हैं? बस ऐसी ऐसे जो टूट कोई सपना जग सुना सुना लागे। रोपवे हरी, रोपवे हरी। अभी हम लोगों ने आधे से ज़्यादा रास्ता क्रॉस कर लिया है, मतलब हम लोग बहुत तेज़ी से नीचे उतर रहे हैं एंड मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। यप, बस पहुँच गए उधर। हाँ, बस अभी थोड़ा ही बाकी है एंड फिर हम लोग पहुँच जाएंगे फाइनली नीचे। वैसे हम लोग थके नहीं है, पता नहीं क्यों थकान नहीं लग रही। ट्रैफिक बहुत होगा नीचे? नहीं होगा। ओके, पसीने पसीने वाले हो गए हम पूरे, मतलब हम लोग लिटरली डूड बहुत भाग रहे हैं नीचे उतरने के लिए। ओके, एंड पसीना आप लोग देख रहे हो मेरे फेस पर, मेहनत का पसीना। जितनी देर हमें ऊपर जाने के लिए लगी उससे कम में हम लोग नीचे पहुंच गए, आधा घंटा। बस अभी थोड़ा ही है, जहां से स्टार्ट किया था वापस हम लोग वहीं पर आ चुके हैं। बाहर 12:10 बज रहे हैं एंड हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं। ओके, चलो पूरा पसीना पसीना हो गया, चले अब चलो। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है एंड लोग सामने ही आ रहे हैं, मतलब अभी क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। हालत